आपको जाहिर सी बात है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को भी फिलअप करना होगा, तो जिस यहाँ पे वो बैंक देना है और कोशिश करना वही बैंक देना है, इसमें आपका सैलरी बैंक आता मतलब कि सैलरी आती हो, तो बैंक नेम आईएफएससी कोड और दो बार अकाउंट नंबर डाल के और यूपीआई आईडी ऑप्शन में आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा लास्ट 3 महीने का, तो आपको लॉग इन नेट बैंकिंग में जा सकते हो। अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ अपलोड डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये चीज करने के साथ ही क्योंकि आपको नेट बैंकिंग से ही देना है अपना, तो सबसे पहले बैंक यहाँ पे चूज करना है, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, क्योंकि नेट बैंकिंग में बैंक स्टेटमेंट देने का एक माध्यम यही है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका लोन पाओ यूट्यूब चैनल में, और आज की वीडियो में हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जहां से आपको मिनिमम लोन 25,000 रुपए तक का मिल जाएगा, और मैक्सिमम लोन कितना है वो आपको थोड़ा सरप्राइजिंगली देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ इन अ लैक्स लाखों में आपको जरूर लोन मिल जाएगा। लेकिन एक बात जो आपको समझने की जरूरत है कि कोई भी लोन एप्लीकेशन इस बात को क्लेम कभी नहीं करेगी कि भाई हम 100% लोन दे देंगे। हाँ, जो कई बार ऐसा लिखा रहता है ना कि 101%, 110%, 50%, 100% ही क्रॉस हो जाता है, तो उन केसेस में आप एक बार थोड़ा सा डीप देखा करो कि भाई वो एप्लीकेशन क्या है। देखो, कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं चाहेगी कि भाई मेरे कोई भी कस्टमर्स, कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी कैंडिडेट जब वो फॉर्म भरे तो उनको रिजेक्शन ही फेस है, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी इंटरनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मीटअप ना हो पाए तो क्या लगता है कि कोई एप्लीकेशन आपको लोन ऑफर करेगी क्या? आप खुद से सोच कर देखो। तो जरा इन सब चीजों पर ख्याल होना चाहिए। एक चीज पे बिलीव कर लेना कि हाँ भाई डायरेक्टली कोई भी, जैसे किसी ने बता दिया भाई 100% से ज्यादा ही आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी तरीके से अगर सही नहीं हो और एप्लीकेशन सही है तो फिर लोन मतलब आप अपनी तरीके से मतलब मामला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सही नहीं है और एप्लीकेशन सही है तब भी लोन नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन सही है तब आप सही हो तब डेफिनेटली लोन मिल जाएगा। तो इन सब चीजों को फोकस रखना चाहिए। और जो लोन एप्लीकेशन को लेकर जो आपका सवाल कि जो हम आज पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं जिसके हमें पता है कि आधार कार्ड पैन कार्ड से तो लोन मिल जाता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या सिर्फ इनसे मिल सकता है या फिर बिना इनकम प्रूफ के लोन मिल जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे सोचते हैं सैलरी बेसिस पे हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें जैसे कि मान लो कि सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप नहीं देना पड़ेगा, ऐसा उन्हें लगता है। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी और साथ में सिविल स्कोर को भी आजकल बहुत ज्यादा ही लो ले रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसको लो लेने की जरूरत है। इवन इसको ही आपको अपना हाई अप करने पे चलते रहना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों पे बात, और जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो तो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो डू चैनल सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम, एंड हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें नीचे टाइटल है, टाइटल पर से क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते आप सीधा पहुंचोगे loanpao.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको यहाँ पे बहुत सारे जो फाइनेंसिंग तरीके से जो भी कंटेंट है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि ऐप लोन, बैंक लोन, बहुत सारे टाइप के कंटेंट देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में यहाँ पे आपको फाइंड करना है उस एप्लीकेशन को जिससे आज हम लोन लेने वाले हैं। मेरे को लगता है कि मैंने शायद अब तक आपको बताया भी नहीं है, तो सबसे पहले हम उसी को ढूंढेंगे। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली आना है सर्च पे, जिस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना है वो हमें फाइंड करना है। अब जिस एप्लीकेशन से लोन लेना है उसका नाम है कैश है, आपको ये डाल के सिंपली सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे हमारे सामने रिजल्ट भी आएगा कि कैशे ऐप से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें। आप सिंपली इस कंटेंट पे जाएंगे, जैसे आपके सामने एप्लीकेशन खुल जाएगा कैशे ऐप के बारे में, तो इसको आपको पूरा पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैशे ऐप के बारे में कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि कैशे ऐप कैसे काम कर रहा है, क्या है कैशे, कैशे कितने लोगों को आज तक लोन दिया है, और तमाम तरीके की जानकारी जो आप जानना चाहते हो प्रॉपर आपको इसी आर्टिकल में मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस आर्टिकल को पूरी तरीके से सही तरीके से पढ़े ताकि आपको सारी की सारी जानकारी मिल सके कैशी ऐप के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैशी ऐप में जो है बेसिकली ये क्या काम करता है, कितने टाइम से लोगों को लोन दे रहा है, इसके मेन बेनिफिट्स क्या है। मतलब आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट सोच के ही ले रहे होगे ना कि इस एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं तो मतलब हमारा ये बेनिफिट हो, इसी सब चीजों के हिसाब से। या इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करेंगे, इसके प्रोस कॉन्स क्या, सब चीज आपको पता चल पाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आर्टिकल को पढ़ना चाहिए और आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि देखो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। लेकिन ये लैंग्वेज का बात मैं इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप इसको पढ़ें, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। देखो लोन एप्लीकेशन से लोन मिले चाहे ना मिले वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो देखो वो सिंपल सी बात यह है कि आपको अगर लोन नहीं मिला तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जब लोन दे जाएगा तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। और दूसरी बात, जो जिन लोगों ने यहाँ से लोन लिया भी होगा तो उनको पता होगा ना कि यहाँ पे मेन फीडबैक क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब जहां तक बात रही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की और ओपन करने की और लोन अप्लाई करने की, तो सिंपली विजिट लिंक पे जाना है। यहाँ जाने के साथ ही आपको मिलेगा ये कैशी ऐप जो आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, अप टू 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ तो जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। एप्लीकेशन को जब तक इंस्टॉल कीजिए, और जब तक आप इसको इंस्टॉल करें मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे आपको जो है एक मनी ऐप के तौर पे यहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट रेट, 0 पेपर वर्क, इंस्टेंट अप्रूवल पे लोन मिल जाएगा।
यहाँ पे अगर मैक्सिमम की दिखा तो 4 लाख रुपए तक का लोन आपको कुछ मिनटों में ही देखने को मिल जाता है, और क्रेडिट लाइन भी यहाँ पे आपको पता चल पाती है, मतलब बेसिकली सारी चीजें यहाँ पे अच्छी ही है। और अमाउंट जो मैंने कहा था 25,000 रुपए से लेकर 4 लाख का ही लोन मिलेगा, बिना कोई सिक्योरिटी के आपको लोन मिल जाएगा। ये एक अनसिक्योर्ड लोन के तौर पर तो काम करता ही है, आपकी एज कम से कम 21 साल से 55 साल में होना चाहिए, सैलरी 25,000 रुपये होना चाहिए, और जो पैसा है, जो आपका सैलरी का पैसा है, वो मान लो कि आपके बैंक खाते में डेटा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैश आ रहा है उसको आप बैंक में जमा करा रहे, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के तौर पे जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई भी 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, कोशिश करना सैलरी बैंक स्टेटमेंट और सेल्फी, ये तो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। तो चलिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल हो चुकी है, उसको करते हैं। जैसे एप्लीकेशन कैश ही आपके सामने ओपन होगी, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो भी एप्लीकेशन आपके सामने खुलेगी तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने शोकेस हो, तो आपको गेट स्टार्टेड के बटन पे आपको चले जाना है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट परमिशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, फोन का इंस्टॉल ऐप से लोकेशन का, ट्रांसमिशन एसएमएस का, और जो भी फोन नंबर का है वो आपको टिक मार करके एग्री करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रोसीड करना है, और सबसे पहले एसएमएस परमिशन भी यहाँ पे डिस्क्लोजर जो है वो आपको अलाउ करना पड़ेगा, देन इसके बाद आपको ओके करना है। और सबसे पहले क्योंकि आपको साइन अप यानी कि अकाउंट क्रिएशन में ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको सबसे पहले यहाँ पे एक गूगल अकाउंट चूज करना है, जस्ट बिकॉज आपको साइन इन करना है तो गूगल अकाउंट चूज इन करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद गेट ओटीपी, यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और उसके बाद गेट ओटीपी पे आना है, तो ओटीपी आपको डाल के सिंपली आगे बढ़ना है। और स्टार्टिंग में ही, मतलब जैसे ही आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन और बाकी सारी चीजें हो जाती हैं, तो यहाँ पे आपको एक अमाउंट शो कर जाएगा कि भाई आप इतने रुपए तक के लोन के लिए तैयार हैं, आपको इतने रुपए तक का लोन, मतलब कि आपको लोन ऑफर कर रहा है। आपको देखने वाली बात ये होगी कि इसमें से भी आप कितने रुपए तक के लोन लेने के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं ना, तो सबसे मेन बात वही है। इसके बाद आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, अपना मदर्स नेम डालना है, फर्स्ट आपको जॉब कब मिली थी, किस साल मिली थी, वो आपको डाल के कंफर्म इन्फॉर्मेशन पे आपको जाना होगा। इसके बाद आपको एक अपना एम पिन क्रिएट करना है, ठीक है, कंफर्म एम पिन पे आपको चले जाना है। और जब ये सारा काम सिक्योरिटी पर्पज से लेकर सारा ऑलरेडी आपका काम हो जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके का होम पेज मिलेगा। अब आपको लोन की जहां तक आप बात कर रहे हो, तो आपका जो प्री अप्रूव्ड कैश लिमिट है, जो यहाँ पे मैं आपको शोकेस कर रहा हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइम्स के हिसाब से मिलेगा कि 3 महीना 6 महीना 9 महीना, और अमाउंट भी आपको शो कर जाएगा, और उसमें से आपको कोई ऑफर पसंद आ जाए तो आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑफर प्लान ऐड किया हुआ है, बट आपके केस में शो करेगा। और अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर देखना है कैश ही क्या, तो यहाँ पे शो भी कर जाएगा। आपको सबसे पहले कोई एक ऑफर को पसंद करके जो है उसको कंप्लीट करने के लिए माई प्रोफाइल पे जाना होगा, और जो भी आपके माय प्रोफाइल में बेसिक प्रोफाइल ही आपको अपनी बेसिक जानकारी, जैसे आपका नाम पूरा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन, फादर्स नेम, एड्रेस वेरिफिकेशन, है ना, ये सब आपको मोबाइल नंबर वगैरह देना पड़ता है। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर, जेंडर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देके आपको फिर आगे बढ़ना है। इसके बाद आपकी जो भी और इन्फॉर्मेशन लाइक पिन कोड, लोकेलिटी, करंट एड्रेस, ये सब देके आपको फिर आगे बढ़ना है। देन इसके बाद मान लो कि जैसे मैंने कहा था ना कि सैलरी बेसिस पे कहीं काम कर रहे हो, तो जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम क्या है, कब ज्वाइन किया था, डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर हो, इसकी ईमेल आईडी, इसका कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना होगा। देन आपको जाहिर सी बात है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को भी फिलअप करना होगा, तो जिस यहाँ पे वो बैंक देना है, और कोशिश करना वही बैंक देना है इसमें आपका सैलरी बैंक आता, मतलब कि सैलरी आती हो, तो बैंक नेम, आईएफएससी कोड, और 2 बार अकाउंट नंबर डाल के और यूपीआई आईडी ऑप्शन में आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, और क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा लास्ट 3 महीने का, तो आपको लॉग इन नेट बैंकिंग में जा सकते हो। अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ अपलोड डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये चीज करने के साथ ही, क्योंकि आपको नेट बैंकिंग से ही देना है अपना, तो सबसे पहले बैंक यहाँ पे चूज करना है, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, क्योंकि नेट बैंकिंग में बैंक स्टेटमेंट देने का एक माध्यम यही है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो भी लोन एग्रीमेंट सेंक्शन करने का, ऑटो ईएमआई डेबिट सेटअप हो गया, या फिर बैंक में पैसा भेजने का जो हमने चूज किया, वो सारा प्रोसेस आप आगे कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद आधार केवाईसी, पैन कार्ड केवाईसी, सेल्फी देखे, ऑलरेडी आपका काम पूरा कंप्लीट कर लेना। बहुत सारी चीजें मैंने दिखाने की कोशिश करी है, और इसके बेसिस पे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो मैं तो आशा करूंगा यही कि आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा, काफी हद तक साबित अच्छी हो और बेटर हो। अगर कोई भी चीज समझ में आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। वैसे मैंने अपनी तरीके से कोशिश करी है कि मोस्टली आपको वो चीज तक रूबरू कराऊं, वो सब चीज आपको दिखाऊं एप्लीकेशन से लोन लेने का, जो आपको सब चीज समझ में आ गई हो एप्लीकेशन से लोन लेने के बिहाव पे और उसके ट्रैक पे भी। बाकी जो भी आपकी राय हो आप हमें कॉमेंट्स में बेसिक लिख के बता ही सकते हैं।